नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। कश्मीर को आपने खराब किया, नहीं आपने खराब किया। आरोप प्रत्यारोपों का यह सिलसिला बदस्तूर है, उतना ही जितना पुराना कश्मीर का विवाद है। यह ऐसा सिलसिला है जिसके बाद राजनेता अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाते हैं। तय नहीं हो पाता कि कश्मीर का असल गुनहगार आखिर है कौन। लेकिन यहां भी एक स्थिति बड़ी दिलचस्प बनती है। चुनाव से पहले हर कोई कहता है कि उसके पास कश्मीर समस्या का हल है, चुटकियों में समाधान कर लेंगे, लेकिन चुनाव के ठीक बाद वही बहाने जिनका जिक्र हमने ऊपर किया। सवाल एक और है कि इतिहास में क्यों जाना, वर्तमान में बेहतरीन कोशिश क्यों नहीं, एकजुट होकर कोशिश क्यों नहीं की जा रही। इन सवालों से आगे एक आखिरी सवाल और है कि क्या राजनीति को कश्मीर का जलते रहना मुफीद लगता है। आज बहस इसी मुद्दे पर। कश्मीर पर राजनीति फिर से गर्म हो रही है। कुछ लोग तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात अब कर रहे हैं तो कुछ लोग घाटी में मचे घमासान के लिए मोदी सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धरती का स्वर्ग नफरत की आग में जल रहा है, लेकिन सियासतदान उसमें भी सियासी रोटियां सेकने पर अमादा हैं। माना कि जिसके हाथ में हुकूमत है उसकी जवाबदेही ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदारियां उनकी भी कम नहीं जो सत्ता के दावेदार और विपक्ष के पहरेदार हैं। काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है, मगर जो कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। ये सच है कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को देश कभी कबूल नहीं करेगा, लिहाजा राहुल की इस बात में दम तो है, लेकिन उन्हीं के विचारों के संगी साथी न सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं बल्कि दोस्त की भूमिका में तीसरे देश के मध्यस्थता को भी जायज ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम, हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने, हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। रास्ता अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते, तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी फारूक अब्दुल्ला को उस शिमला समझौते की याद दिला दी जिसमें ये साफ कहा गया था कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का समाधान करेंगे। जाहिर है ऐसे में आतंकवाद और फायरिंग के बीच पाकिस्तान से बातचीत करना हथियार डालने के समान होगा। शिमला समझौता है जिसमें बायलैटरल की बात है, लाहौर डिक्लेरेशन है उसमें बायलैटरल की बात है, ये सारी बातें जो एस्टेब्लिश्ड है, और एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहा है और इस प्रकार की भाषा बोले। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर रियासत के विलय की घोषणा की थी, उस वक्त इसे शेख अब्दुल्ला ने भी मान्यता दी थी, लेकिन उस वक्त कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी कबायलियों को सरहद से बाहर नहीं किया गया और बाद में इन्हीं कबीलों की मदद से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। इतना ही नहीं, 1971 की लड़ाई में भी जीती हुई जमीन को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था। साफ है कि कश्मीर को लेकर शुरू से ही वोटों की राजनीति होती रही है और उसी का खामियाजा है कि पाकिस्तान एक से बढ़कर एक पाप किए जा रहा है। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। जम्मू और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर इस देश की सियासत होती रही है, हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, फॉर्मूला सबके पास है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या सरकार बनने के बाद किसी को कुछ सोचता नहीं है। हाँ, राजनीति बदस्तूर है, आतंकवादी हमले होते रहते हैं और आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे इस देश में या विश्व के किसी भी कोने में। रिप्रेजेंटेटिव हो या देश के प्रधानमंत्री,
आतंकवाद को लेकर चिंता जताते हैं, फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, आखिर वजह क्या है? मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है, अभय खन्ना मेरे साथ हैं, मीडिया डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदल सिंह बोपराय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि बात राजनीति से ना शुरू होकर इस मसले को समझने की है, मैं आबा जी आपके पास आना चाहता हूं, आबा खन्ना जी, कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस मामले को लेकर, हम शुरू से समझे 65-70 साल के इस देश में एक मसला ऐसा है जिसको लेकर बोलते तो सब हैं, करता कोई कुछ नहीं, क्या किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राजनीति सबकी चलती रहे? इसमें मेरा ये कहना है कि हम पुरानी बातें तो कितनी भी कर लें, मतलब उसका तो कोई अंत नहीं है, किसकी गलती थी पिछले 70 साल में, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ये सच है। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन, अगर हमें इसका कुछ समस्या का हल निकालना है, तो आज की जो स्थिति है उसको समझते हुए उसमें से क्या हो सकता है वो करना चाहिए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि वहाँ की आम जनता के साथ कभी किसी ने वार्तालाप नहीं किया। जिस समय पे शेख अब्दुल्ला की सरकार वहां बिठा दी गई, उस समय भी जनता क्या शेख अब्दुल्ला के साथ थी, समझने की बात है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य का केवल मात्र 15% हिस्सा है, तो जिस जो चीफ मिनिस्टर बने शुरू से ही, उनका वर्चस्व सिर्फ एक छोटे से इलाके में था। सबसे बड़ा इलाका लद्दाख है, उसके बाद जम्मू है, फिर उसके बाद कश्मीर है, ऐसा। तो समस्या शुरू से यही है कि आम जनता से किसी ने पूछा नहीं। आम जनता, हमारा देखिए काम है रिसर्च का, हम वहाँ पे आते जाते रहते हैं, बहुत लोगों के साथ संपर्क में है। जो भी वहाँ गया है, या तो मीडिया बन के नहीं गया और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के नहीं गया, उसके वो अगर बात करता है जनता के साथ, तो क्लियर फीलिंग यही आती है कि जनता पूरी तरह से भारत के साथ है, लेकिन आतंकवादियों के कहर से त्रस्त है और अलगाववादियों की जो पॉलिटिक्स है उससे परेशान है वो, और वो भी चाहती है कि उसको एक पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, नॉर्मल लाइफ जीने की आज़ादी मिले। आज़ादी उनको भारत से नहीं चाहिए, आज़ादी उनको इन सब गोलियों से, इस तरह की पॉलिटिक्स से चाहिए। तो मैं तो देखिए, हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, हम आपसे बस इस मुद्दे को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर राजनीति होती है। आप बिल्कुल जो बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, लेकिन इस कोर प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं रहा है, राजनीति हो रही है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कश्मीर मुद्दे को लेकर हमेशा राजनीति हुई है और अब इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी पहली बार तय की जा रही है। विशंबर जी, आप तो एक सेना को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपने इन हालातों को बड़े करीब से देखा है, ये जो जिम्मेदारी थोपने की बात है, ये क्या सिर्फ ऐसी बात है कि एक दूसरे के ऊपर आप छींटाकछी करते रहिए, परिस्थितियां जो कि तो बनी रहे, हालात चुनाव तक बने रहे और हमको जहां तहां फायदा मिलता रहे? देखिए संतोष, मैं जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं ऊपर किसी किस्म की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और जम्मू एंड कश्मीर के हालात से काफी अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बिल्कुल, और उसके इतिहास से काफी अच्छी तरह, राजनेताओं से ज्यादा तो सैनिक वाकिफ हैं, हम वाकिफ हैं। और मैं राजनेताओं की भाषा में नहीं फंसना चाहूंगा, क्योंकि 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 देश में आवश्यकता राजनीति, जम्मू एंड कश्मीर के मसले पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के मसले पर शुरू से हालात के साथ हमें, हमारी अगर आप 1947 से अगर पूरा इतिहास पढ़े, जो अभी आबाजी बताने की कोशिश कर रही थी, तो आप देखेंगे हर फैसले में कहीं ना कहीं मजबूरी है, बिल्कुल राइट। वो महाराजा जो थे, उन्होंने कोई अपने आप 1947 15 अगस्त से पहले, जब बाकी स्टेट्स इंडिया को ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया था, ठीक। उन्होंने भी किसी बंधन में, किसी मजबूरी में भारत का पलड़ा, भारत का पक्ष लिया था। तो ये जो है, ये सिलसिला चलता रहा 1987 तक, जब वहां पे टेररिज्म ने, जो जियाउल हक जी की सरकार थी पाकिस्तान में, उनका एक मुद्दा था कि पॉलिटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता कश्मीरी, इसमें जिहाद लाइएगा, इसमें टेररिज्म लाइएगा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो ढांचा, ये टेररिज्म डिसाइडेड स्पॉन्सर्ड था, जियाउल हक टाइम में तो पॉलिसी बन गई थी, पॉलिसी इट स्टेट पॉलिसी थी और एक्सटेंशन ऑफ उनकी आर्मी। तो उसके तहत ये जब उन्होंने यहाँ टेररिज्म स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक टेररिज्म के फेजेस रहे हैं। इस टेररिज्म में कभी उतार आया है, कभी चढ़ाव आया है, लेकिन टेररिज्म वहां जिंदा रहा है। और आज जो हमारी आवश्यकता, और मैं ये कहता हूं कि जो कमजोर संतान है वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया,
जो अच्छी संतान है जैसे आबाजी कह रहे थे उन्हें ज्यादा ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे हमारे पूर्वजों ने वो किया जो उनसे बनता था उस हालात में। आज हमारा मुल्क कहां पे खड़ा है, आज हमारे देश की क्या शक्ति है, आज हमारी क्या स्ट्रेंथ है नेशन की, उसके हिसाब से हमें जम्मू एंड कश्मीर का भविष्य, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज देखो दो स्टेटमेंट हैं जो कि कितनी मतलब चिंताजनक कह लो या कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक स्टेटमेंट है जो कि हमारी जो बेसिक बुनियाद है शिमला समझौते में, फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हर 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 एग्रीमेंट में उनका या उनके पिताजी का या उन लोगों का हाथ रहा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि मैं समझता हूं हर चीज को। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो शिमला समझौते से बढ़कर है। उन्होंने कहा कोई बाईपक्ष कोई द्विपक्षीय नहीं है, ये सिंगल सवाल देश का है, कश्मीर हमारा अंग है, भारत और कश्मीर में किसी उस मतलब उन्होंने पाकिस्तान से डायलॉग भी रूल आउट कर दिया। अगर वो इस बात को समझते और इस मुद्दे से काम करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बहुत अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी। एक पॉलिटिकल डिबेट भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आदिल सिंह साहब और आरपी सिंह साहब। चूंकि राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है तो शुरुआत आदिल जी आपसे ही होगी कि एक ऐसा स्टेटमेंट अब प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना, उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराना, तो अगर राजनीतिक तौर पर इसको समझें तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी कोई अच्छा काम जम्मू कश्मीर में हो नहीं रहा था, उस समय भी आतंकवादी हमले हो रहे थे, बिरयानी डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन आतंकवादी हमले तय थे। ये एक जो दोषारोपण है, एक आरोप प्रत्यारोप का एक जो दौर है, ये क्यों नहीं रुक जाता? एक देश के तहत क्यों नहीं हम सीमा की समस्याओं को या जम्मू कश्मीर को डील करते? देखिए भाई साहब, तिवारी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर है हिंदुस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है और इस पे कोई दो राय नहीं है, ये हमारी बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए 2013-2014 जब कांग्रेस की सरकार थी और अब का आप वातावरण देखेंगे कश्मीर में तो बहुत 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 बदलाव हुआ है वातावरण में। मैं आपको कई कई जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो आपके सामने और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले 30 महीनों में लगभग 300 से ज्यादा हमारे जवान और सिक्योरिटी पर्सनल। सर सॉल्यूशन बताइए ना, 300 से ज्यादा आंकड़े सबके पास, लगभग 1300 से आंकड़े इंटरनेट, मैं बता रहा हूँ पहले नहीं, मुझे बैकग्राउंड आपने पूरा क्लियर है सर सबको, 1947 से क्लियर है। आपने देखिए, आप हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो बयानबाजी हो रही है ये एक देश के तहत होनी चाहिए, इंडिया के साथ, भारत के साथ, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कब तक? मेरा सवाल सीधा है, आंकड़ों में मत उलझाइए किसी को, ये आंकड़े इंटरनेट पर भी हैं, ये आंकड़े हर जगह हैं। देखिए भाई साहब, जो आज सिचुएशन इतनी बदतर हुई है ये एनडीए और मोदी साहब की सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप कब थी? अरे तिवारी साहब, मेरी बात 2013 में कैसी स्थिति थी? बहुत बेहतर स्थिति थी, टूरिज्म था, उधर इंडस्ट्री आ रही थी, लोगों को रोजगार के साधन मिल रहे थे। 2012 में देखिए, 2013 में देखिए, 2014 में देखिए, पर जब से भाजपा सरकार आई है सिचुएशन बदतर हुई है और ये आंकड़ों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना है तिवारी साहब, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, बीजेपी के जैसे रेटरिक और फॉल्स ब्रवाडो में नहीं हमें जलना जाना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना है जो 2012, 13 और 14 की स्थिति थी और जो अब की स्थिति है उसके पैरामीटर्स को देखना जरूरी है। आज कश्मीर में एक भय का वातावरण है, एक असुरक्षा का वातावरण है, कश्मीर में स्कूल बंद है, कश्मीर में यूनिवर्सिटी बंद है, कश्मीर के नौजवान लड़के सड़कों पे हैं, लड़कियां सड़कों पे हैं, एक ऐसा वातावरण है कि एक वॉरलाइक सिचुएशन बनी हुई है, जो हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने आप कहा है कि एक वॉरलाइक सिचुएशन कश्मीर में बनी हुई है। तो अगर सत्ता आपके पास है तो अकाउंटेबिलिटी भी तो आपकी होगी। जरूरत है भारत सरकार को कि एक कोहेसिव नीति लेके आए कश्मीर के लिए। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है तिवारी साहब, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हमारी एकता का प्रतीक है। भारत सरकार, मोदी सरकार की जिम्मेवारी है, ये सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, इनकी जिम्मेवारी है कि नॉर्मलसी लेके आए। आज एक एलियनेशन का वातावरण है, एक चैजम है, जो कहते हैं कि भारत और कश्मीर के जो वासी एक चैजम फील कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आप इंगेज नहीं कर रहे, उधर के जो भटके हुए लड़के हैं उनके साथ आप बात कीजिए, उन्हें बताइए कि हम आपकी भलाई चाहते हैं। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारी शान है,
और भारत सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, वो कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है उन्होंने, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है जिससे वो सियासत करना चाहते हैं। जवाब ले लेते हैं, और जो आप कैजुअल्टीज देख रहे हैं और भी पक्ष है, एक हजार से ज्यादा हमारे बच्चों की आंखें चली गई। भोपराय साहब और भी पक्ष है, एक एक करके आपके पास तो बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे पॉइंट। आरपी सिंह साहब, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर सवाल तो उठने चाहिए। मैं इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा, मैं इसको फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान से नहीं जोड़ रहा, राहुल गांधी ने जो कहा है एक विपक्ष की भूमिका है, उनके साथ बहुत अच्छा खासा राजनीतिक समर्थन भी है विपक्षी दलों का। पीएम की नीतियां वहां फेल हो रही हैं, बच्चों के स्कूल्स पर हमले हो रहे हैं, बच्चों को वहां से इवैक्यूएट व्रजपथ वाले वाहनों में किया जा रहा है, ये स्थितियां कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं एक बार फिर से सोचने पर अपनी पॉलिसीज पर। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद आपका आदिल साहब, मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं कुछ बातें आपसे भी कर लूंगा और आप बीच में टोकेंगे नहीं। आदिल साहब, कोहेसिव पॉलिसी की आपने बात करी, आपने कहा स्टोन पेल्टर से बात करें, आपने कहा वहां पे कश्मीर में हुर्रियत वालों से बात करें, आपके नेता वहां जाकर हुर्रियत वालों से बात भी करने की कोशिश करते हैं, वहां उनके दरवाजे भी खटखटाते हैं और वहां से वापस मोड़ भी दे जाते हैं, और कई बार थोड़ा आर्मी को लेकर कोई ठठास लगता है, कोई मजाक सा किया जाता है उन हुर्रियत के नेताओं के द्वारा, और वो कहा जाता है कि कश्मीर तो आपके साथ इसलिए कि आर्मी है और आपके नेता उनके साथ बड़े जोर से ठहाका भी लगाते हैं, ये है हकीकत। मैं चाहूँगा आप जब यह कहते कोहेसिव पॉलिसी, कोहेसिव पॉलिसी क्या हो जरा उसके बारे में व्याख्यान कर दें, एक दूसरा ये भी बता दें कि बातचीत किससे करी जाए, हुर्रियत से करी जाए, अलगाववादियों से करी जाए, जिनके पास बंदूक है उनसे करी जाए, हिजबुल वालों से करी जाए, जो कश्मीर के अंदर कैलिफेट लाना चाहते हैं, कश्मीर में एक अलग प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं, कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और वहाँ से वो शुरू करना चाहते हैं, उनसे करी जाए। और जहाँ तक इतिहास का बात है, अभी जनन साहब बता रहे थे सन 1948 से लेकर सन 1987 तक जो गलतियाँ हुई और फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो हुआ, ये उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जनरल साहब इसको वाउच करेंगे कि आज जितनी छूट आर्मी को है कश्मीर के मामले में, उतनी छूट जितनी आर्मी और ओवरऑल फोर्सेस को है उतनी छूट कभी नहीं थी। जितने आतंकवादी इन दिनों में शहीद मतलब उनको उनको मारा गया, जितने उनको जितने आतंकवादियों को वहाँ पे मार दिया गया, इतने आतंकवादी कभी उससे पहले मारे नहीं गए, ये सोचा जाए 48 में प्लेबिसाइट की बात करने कौन गया था, 71 के अंदर हम जीत चुके थे उस समय टेबल पे किसने सरेंडर कर दिया था, 87 के अंदर अगर वो फ्रॉड वाला इलेक्शन नहीं हुआ था जब आप फारूक अब्दुल्ला साहब को बैठाना चाहते थे चीफ मिनिस्टर अपने मित्र को राजीव गांधी, मैं जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी की बात राजीव गांधी बता रहा हूँ, वो अगर ना करते उसके बाद से वो सारा मामला ना गड़बड़ होता, तो 79 से लेकर जो वापस आज तक जो आतंकवाद का मोल खड़ा हुआ उससे फिर पाकिस्तान ने छेड़खानी शुरू करी वो आज नहीं बनता। अगर यही मामला 2010 और 2008 के अंदर ये जो पत्थरबाजों वाला मामला शुरू हुआ तब आपने थोड़ा ठीक फैसले किए तो ठीक हो गया था। और मैं वापस ये कोई झगड़ा फिर कांग्रेस का नहीं, ये झगड़ा इस बात का है कि इस समय देश को एकजुट होकर जो कश्मीर को लेकर पॉलिसी देश की है, जिसको लेकर देश के पार्लियामेंट ने जो फैसला किया गया है उसकी बात करें, जो पार्लियामेंट ने फैसला किया उसके ऊपर चलें, उस पर करें, ये अगर खींचातानी की बात करें और एक दूसरे पर बटतंगी की बात करें तो बहुत कुछ है जो बताने के लिए काबिल। बिल्कुल, और यही नहीं होना चाहिए कश्मीर साहब, आपने कुछ तथ्यों को तो रखा है, ठीक है, एक बात अपनी छोटी बात, आपने अपनी बात कंप्लीट, सर प्लीज मैं एक बात छोटी बात आपके पास, यही एक सवाल नहीं है आपसे, संतोष आधा सेकंड और दे दो, आधा सेकंड, अच्छा ठीक है, आधा सेकंड और प्लीज, हम चाहते हैं, हम ईमानदारी से चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, परंतु मैं वापस बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद को देश में भेजना वापस बंद नहीं करेंगे। ये तो क्लियर कट स्टैंड है। हुर्रियत वालों से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल हुर्रियत वालों से बिल्कुल बात नहीं करेंगे जब तक वो देश को भारत के विधान को नहीं मानेंगे, भारत के विधान को नहीं। जिससे बातचीत करनी है, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी क्यों नहीं जाते वहाँ कश्मीर में और जरा एक हफ्ता 10 दिन जाकर बैठ जाएं, बोले आओ भैया बात करेंगे, देखे किससे कौन बात करता है और कितनी बात हो पाती है। चलिए ठीक है, हमको भी रास्ता राजनीति से इतर, इनके मणिशंकर अय्यर जाते हैं, इनके बाकी राजनीति से इतर, सर राजनीति नहीं राजनीति नहीं, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, जाए ना वो चाह रहे हैं राजनीति होनी चाहिए, राजनीति तो ऐसी बदनाम कर दिया गया, बातचीत करें, राजनीति को तो बदनाम कर दिया गया है, राजनीति तो होती है कि इश्यूज को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए,
यहां तो व्यक्तिगत तौर पर सत्ता के लिए, व्यक्तिगत तौर पर पार्टी को लाभ दिलाने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए राजनीति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राजनीति अच्छी करिए, सियासत अच्छी होनी चाहिए और देश तभी आगे बढ़ेगा। आबा जी आप हाथ भी खड़ा कर रही थी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, अगर हम इसको पब्लिक सेंटिमेंट से जोड़कर देखते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ गुमराह लोग हैं, बच्चे हैं जो पत्थर फेंकते हैं सेना पर जो उनकी मदद करती है। ऐसे हालात राजनीतिक तौर पर पैदा हुए हैं, ये हालात वहां पर भारत के दूसरे राज्यों की जो ग्रोथ है उसको लेकर वहां के लोगों में गुस्सा है, एक निराशा है। मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन पहले जिसके लिए मैंने अपनी उंगली खड़ी की थी मैं वो बताना चाहूंगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी, वो इसके साथ रिलेटेड ही है। देखिए, जब ये बात होती है ना वॉर लाइक सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो हम दो चीजों को ऐसी चीजों को जोड़ देते हैं जिनका एक्चुअली जुड़ाव होना नहीं चाहिए। एक देखिए, आर्मी का रोल दो तरह का है जम्मू एंड कश्मीर में, और वो दोनों रोल अलग अलग हैं। एक रोल है बॉर्डर्स को सिक्योर करना, तो बॉर्डर्स तो आर्मी पूरा बॉर्डर सिक्योर करती है, फिर वो चाहे राजस्थान से लगा हुआ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ हो, चाहे जम्मू कश्मीर से लगा हुआ हो, आर्मी का काम है वो, ठीक है जी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी बेसिक उनका काम है। दूसरा जो उनका वहां पे जम्मू कश्मीर में उनका जो काम है वो है एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, जब से टेररिज्म जम्मू कश्मीर में आया है आर्मी तब से ये ऑपरेशंस कर रही है। मेरे ख्याल से मेजर जनरल मेरे बात से वाकिफ होंगे, वो भी जरूर बताएं। बॉर्डर सिक्योर करने के लिए बेसिकली आर्मी वहां पे तैनात है, और जब जब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, एनकाउंटर्स करने पड़ते हैं, तो उसमें आर्मी इन्वॉल्व होती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज ओनली विद द पुलिस एंड विद द सीआरपीएफ। पुलिस और सीआरपीएफ सिर्फ उसको देखती है। तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर बताया जा रहा है ना जी, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वहां की जो स्थिति है, वहां की जो ये पॉलिटिक्स वगैरह की जो हमारी सारी बात चल रही है, जम्मू कश्मीर, मैंने जैसे पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमारी बातचीत नहीं हो रही। हमारी हम बार बार बात करते हैं कि बातचीत चलनी चाहिए, तो बातचीत चलनी चाहिए किसके साथ चलनी चाहिए? हुर्रियत के साथ चलनी चाहिए। तो समझने का विषय यह है कि हुर्रियत कौन है। हुर्रियत अलगाववादी लोग हैं जो भारत से अलग होने की बात करते हैं। तो अलगाववादी लोगों की जो पक्ष है, क्या उनसे हमें बात करनी है या उन लोगों से बात करनी है? जनता का वहां पे, वहां पे इस समय समस्या क्या है कि सिविल सोसाइटी नाम की चीज नहीं है। अलगाववादियों को शह किसने दी? सिविल सोसाइटी नाम की चीज इस समय कश्मीर में अलगाववादियों को शह तो पिछली सरकारें देती रही है, इस सरकार। देखिए, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। इस सरकार ने एक बात तो अच्छी डेफिनेटली की है कि हुर्रियत से अलगाववादियों से बातचीत बंद की है। ये जो आपके सामने स्थिति दिख रही है ना जी मीडिया के थ्रू कि वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, वहां पे ये झल्लाहट है। अगर कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट बैठ के सोचेगा वो आपको पहले ही बता देता कि ये सिचुएशन बनने वाली है। क्या है कि पहले की सरकारों में, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं भी मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, आपको ध्यान होगा पहले की सरकारों में बार बार ये बात आती थी कि जब भी इस तरह की घटनाक्रम शुरू होता था हुर्रियत से बातचीत, सरकार, भारत सरकार एक अलगाववादी संगठन से जो 15% एक स्टेट के 15% हिस्से में भी जिसका अपनी, पूरा वर्चस्व नहीं है उसको मैसेज भेजता। मेरी बात सुनिए, आपने बिल्कुल अपनी बात को रखा है, इस बात को समझने में एक बात मैं और कहूंगी कि उस जी बिल्कुल कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, मेरा आपने पत्थरबाजों के बारे में पूछा ना जी, वो कौन है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पत्थरबाज हमारा वहां पे जो दिखता है आपको वो टीनेजर है। देखिए, वो एक उम्र ऐसी है जिसमें बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाना बहुत आसान है। वहां का एक वर्ग बच्चों का ऐसा जरूर है जो उस गलत रास्ते में उन लोगों के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन मतलब वो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। राजनीतिक आपके सामने जो ठीक है, ठीक है आबा जी, आपके सामने जो पिक्चर बन, बिल्कुल आबा जी आप सही बात कह रही है, लेकिन परिस्थितियां ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। आप आर्मी को उनके कामों को गिनाना शुरू कर दें, आप जम्मू कश्मीर पुलिस को या फिर इंटेलिजेंस को उनके कामों को गिनाना शुरू कर दें, राजनीति भी तो कुछ अच्छी नहीं हो रही है वहां पर। सियासतों को लेकर या सियासतदाओं के बयानों को लेकर जो तस्वीर एक विश्व पटल पर जा रही है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।
देश देख रहा है कश्मीर का गुनहगार कौन है और ये तय करने की स्थिति अब आ गई है, लेकिन यहां जवाबदेही किसकी है इसको लेकर ही एक लंबा दौर चल जाता है बयानों का और स्थितियां बिगड़ जाती हैं। हम अपने में ही एकजुट नहीं है, आपको लगता है मेजर जनरल साहब शंबर साहब कि हम लोग अपने में ही एकजुट नहीं है और ये परिस्थितियां ऐसे पनप जाती हैं? जो आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला ये तो भारत का स्टैंड नहीं है जो वो कह रहे हैं। बिल्कुल, जो आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला मैं समझता हूँ वो निंदनीय है और वो जिस भी तरह से उसको पेश कर रहे थे, ट्रंप का नाम लेके चाइना का नाम, चाइना को कहां से उठा के ले आए बीच में, ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट। चाइना के अंदर क्या बिल्कुल साहब इश्यू है? बिल्कुल किसी भारतीय को आज ये मंजूर नहीं है कि हमारे कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी चाइना अमेरिका या किसी से बात करें और उसका उसका दखलंदाज बर्दाश्त करें। और जहां तक राहुल गांधी की बात है मैं समझता हूँ अच्छी बात की, हमें तो इसमें पाकिस्तान का भी मतलब दखलंदाज नहीं चाहिए, हमारा अंदरूनिक मामला, हम इसका फैसला करेंगे। मैं कुछ दो तीन मुद्दों पे आना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल पे, 91 से जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज वहां एक्टिव हुई है, 93 से 2003 तक मिलिटेंसी में एवरी ईयर मिलिटेंट टेररिस्ट के 100 से 200 तक टेररिस्ट हमने एलिमिनेट किए। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे को, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं देश को हमें कभी गुमराह नहीं करना चाहिए, इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस जब से टेररिस्ट से लड़ाई लड़ रही हैं वो फ्री हैं, उनको फ्री हैंड है, वो किसी के बंधन में नहीं है। ठीक, ये मैं मानता हूं कि एक ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट होता है अगर गवर्नमेंट इन पावर उसको खुल के बोले, जो आज बीजेपी बोलती है, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालमेल, आज मैं मानता हूं कुछ चीजों में तालमेल आज बहुत अच्छा है सिक्योरिटी फोर्सेस का। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का की बात है, आज के दिन सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में तालमेल है सीआरपीएफ में, पुलिस में, आर्मी के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो मैकेनिज्म है उसको शो करता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं और वह पिछले 27 साल से सच्ची निष्ठा से काम कर रही हैं। आज आपकी सच्ची निष्ठा है सरकार की कोई शक में नहीं है, आज आपका बिल्कुल आपकी नियत भी बहुत अच्छी है, आप कश्मीर का हर पॉलिटिकल पार्टी फैसला करना चाहती है, लेकिन जो ग्राउंड के हालात है आज बहुत गंभीर है। देखिए जो ISI की प्लान है वो कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस टेररिस्ट को वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस पीपल करना चाहती है। और कई हद तक जिस तरह से आप हर टेररिस्ट को जब हम एलिमिनेट करते हैं उसके पीछे जितने लंबे जनाजे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से वहां का माहौल बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूं वहां सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर जो है। लोकल बिल्कुल पॉलिटिकल सीधे बोलिए पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल वर्कर्स है वो क्यों नहीं निकलते इसको चेक करने के लिए, वो वोट मांगने निकलते जब तक आप देखिए आप टेररिस्ट है तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मैं इस बिलीफ का हूं कि ISI के साथ अगर सीरिया में उतार दी जाए, इराक में उतार दी जाए तो हम उनको हरा सकते हैं। लेकिन जहां तक टेररिज्म है, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है, उसके लिए देखिए सरकार का काम है। हार्ट्स एंड माइंड्स की विनिंग में हमने सेना ने बहुत बड़ा हाथ, आबाजी जानती है हमारा कितना बड़ा प्रोग्राम चला था वहां पे, हार्ट्स और माइंड्स में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए, क्योंकि अगर हमारे नौजवान को कोई गुमराह कर रहा है तो इस देखिए जब किसी का भी बच्चा जाता है चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसका हार्ट में मान सकता हूं लेकिन माइंड पे उसका माइंड गेम देखिए वो सरकार का काम है साहब। हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर लोकली आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स अगर आप शेयर नहीं दें, अगर आज की लोकल गवर्नमेंट शेयर नहीं दे तो ओवरग्राउंड वर्कर्स दौड़ने चाहिए ना, ओवरग्राउंड वर्कर्स तो आज सरकारी गाड़ियों में घूम रहे, अगर आज की सरकार शेयर नहीं दे तो जो वहां के जो सपोर्टर्स हैं इनके जो जनाजे में उतरते हैं उनका कौन जिम्मेवार, कोई तो जिम्मेवारी ले, वो जितना काम सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं उसको लोकल गवर्नमेंट का फेलियर जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनका समय मिलना चाहिए। आरपी सिंह साहब मेरे साथ हैं, बोपराय साहब मेरे साथ हैं, सवाल चूंकि आप लोग सत्ता में हैं आरपी सिंह साहब, बोपराय साहब तो आंकड़े गिना रहे हैं और वो कोई गलत आंकड़े नहीं गिना रहे हैं, मैं उनके आंकड़ों को दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम आंकड़े कब तक गिनते रहेंगे, सवाल तो यही है। और जवाबदेही से बचना जो कुर्सी पर है सर वो तो जवाब देगा। आरपी सिंह साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि सेंटर में आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार, और जवाब खोज रहे हैं आप विपक्ष के से, ऐसा क्यों? देखिए मैं वापस कहता हूं, हमारी सरकार पूरी जिम्मेवारी के साथ वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी जिम्मेवारी के साथ वहां काम कर रही है। जनरल साहब कह रहे हैं कि फौज को पूरी छूट मिली,
परंतु फौज के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस समय विपक्ष कर रहा है, फौज के आर्मी जनरल के बारे में जिस प्रकार की भाषा विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है, हम उनको जवाब देते हैं, हम उसको कंडम करते हैं, मैं उनको कंडम करता हूं सर। अरे सुनिए सुनिए, मैं उनको बहुत बुरी तरह कंडम करता हूं। संतोष जी एक मिनट बात सुनिए, उसको सरकारों पे मत डालो सर। मैं आपके कंडम आपके सर सुन लीजिए, हम उनको बहुत जूते मारते हैं सर। जनरल साहब पर वापस समझिए, आप ये बात तो मानेंगे कि जितनी फ्रीडम जितनी सपोर्ट अच्छा चलिए फ्रीडम वर्ड जुड़ी जितनी सपोर्ट इस समय आर्मी को इस समय फोर्सेस को सरकार की है अभी हाल में। अच्छा आप बताइए, आप तो फौज में रहे हैं, 2004 से लेकर 2014 तक कितने आर्म्स खरीदे गए, अभी पिछले तीन साल में कितनी छूट मिली है। मैं प्रोक्योरमेंट ऑफ हथियार गिनाऊंगा तो मैं इधर दूसरा मुद्दा शुरू होगा। मैं वापस मेरी बात पूरी होने दे। जनरल साहब मेरी इंतजार सुन लीजिए, फिर आप सर इशू ये है कि आर्मी को आज पूरी छूट है, फोर्सेस को पूरी छूट है। नीचे माहौल तब खड़ा होगा जब वहां पर एक बार शांति होगी, लद्दाख में दिक्कत नहीं है, कारगिल में मेरा यही मुद्दा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस 93 से कश्मीर के 60 आरआर बटालियन 1991 टू 1995 किसकी सरकार थी? सरकार थी साहब कांग्रेस की। मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं यहां, सरकार थी साहब देश में मौनी बाबा की। उन्होंने जो किया उस प्रधानमंत्री ने 60 आरआर बटालियन जो दी, आज भी जेएनके में उन्हीं 60 आरआर बटालियन के मॉल से जो बहन आभा बोल रही थी कि वो ऑलमोस्ट आपको जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें मदद कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि छूट नहीं थी, ऐसे मत गुमराह कीजिए। जो हम बात कह रहे हैं वो स्पष्ट है, सिक्योरिटी फोर्स मैं मानता हूं, जैसे आज हमारी सरकार खुल के बोलती है सिक्योरिटी फोर्सेस के पक्ष में, उससे सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ता है, वो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं साहब। लेकिन ये कह देना कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टाइड थी पहले, ये नहीं था वो नहीं था, गलत है साहब। क्योंकि शहादत दी है साहब लोगों ने 91 से, जिन्होंने 2014 तक शहादत दी है किसके इशारे पे दी है? उनकी भी तो परिवार है, उनके भी पक्ष में भी तो बोलिए। सरकारों के बीच में मत डालिए ना इस दौर को मत बांटिए। 1987 से 2017 का जो दौर है जम्मू एंड कश्मीर का, कृपा करके सरकारों में मत बांटिए। सरकारों में बांटेंगे तो आप उलझ जाएंगे। मैंने बोला शुरू में साहब फेजेस हैं इसके। जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते अब जी। जनरल साहब, इसी सरकार ने हुर्रियत से बात करने से मना किया। जो आर्मी गेन करती है वो आप वापस लूज कर देते हैं सरकारें वहां पर, जो आर्मी वहां ग्राउंड गेन करती है वो वापस से सरकारें लूज कर सकती हैं। मैंने कहा शुरू से हो ये रहा है कि आर्मी वहां पे गेन करती है, वहां पे ग्राउंड बनाती है, वहां एक पीसफुल प्रोसेस का ग्राउंड बनाती है, वहां पर एक माहौल खड़ा करती है, चुनाव करने का माहौल खड़ा करती है। ये जो चुनाव होते हैं वहां पे एक माहौल खड़ा किया जाता है, पहले आर्मी उसकी चिंता करती है वहां से टेररिस्ट को वहां से निकाला जाए, वहां पे एक अमन शांति हो, उसके बाद वो माहौल बनता है। परंतु हुआ यह है कि वो आर्मी ने गेन किया और उसको वापस से सरकारों ने लूज किया। वो 87 हो 89 हो वापस उसको लगातार सरकार आज की सरकार सुन लीजिए ना, अगर आज की सरकार वापस से हम हुर्रियत से बात करना शुरू करेंगे जी, हम हुर्रियत वालों के साथ टेबल पर जाकर चर्चा करेंगे तो कैसा माहौल बनेगा, कैसा मॉरल रहेगा आर्मी का बता दीजिए। बड़ी अच्छी बात है, हम सरकार की कैसा माहौल रहेगा आर्मी के साथ, कैसा मॉरल रहेगा आर्मी का। ठीक है सर, वापस सुनिए सर, सुनिए सर, यही तो फर्क, यही तो कह रहा हूं, यही जो अब जो आज जो बीज पड़ रहे हैं ये आगे कई साल जाकर काम आएंगे सर, ये आगे कई साल जाकर काम आएंगे। आज हम कहते हैं कि जब तक आतंकवाद का माहौल रहेगा, जब तक आतंकवाद आतंकी भेजते रहेंगे, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, यही जाकर आगे माहौल काम आएगा। और तो पाकिस्तान लगातार ये लड़ाई, अब ये भी माने कि लड़ाई इस बात की नहीं कि कश्मीरियत की लड़ाई है, ये लड़ाई आज कैलिफेट की है, ये वहां पर इस्लामिक राज वहां पर एस्टेब्लिश करने की लड़ाई है वहां पर। और आदिल सिंह गोपराय साहब इस प्रकार की फोर्सेस पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रही है। आरपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, आदिल भी है मेरे पास और भी पैनलिस्ट है। आदिल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, और ये सवाल आरपी सिंह के सवालों का जवाब नहीं होना चाहिए, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो इस समय आपको देश देख रहा है। मेरा सवाल यह है कि आपके एक बहुत अच्छे एलाई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल, वो जब कोई ऐसा अटपटा बयान देते हैं वो देश के साथ कभी नहीं खड़े रहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब। अब वो कहते हैं कि अमेरिका से बात करिए,
कि वो मध्यस्थता करे, चीन से बात करिए, दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीसरे को इन्वॉल्व करिए, ये ऐसा क्यों है? वो आपके अलाई हैं, आप उनको समझाइए कि आप सिर्फ उनसे चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। कीजिए, डिसोसिएट कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए साहब, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कांग्रेस को चाहिए क्रिटिसाइज नहीं, डिसोसिएट कीजिए। अफसर देंगे तिवारी साहब, आप मैं निवेदन करूंगा जनरल साहब, आप प्लीज जवाब दीजिए, बोलने का अवसर दीजिए। देखिए, इस आपके सवाल से पहले जवाब दे रहा हूं मैं, आपके सवाल से पहले बस इस 30 सेकंड की मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी की दुविधा है कि ये हमारी सेना के योगदान और बल पे राजनीति खेलती है। अब भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्टिव एमनीजिया है। मैंने बताना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा कि एलके अडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अडवाणी साहब, और होम मिनिस्टर थे देश के 2004 में, उन्होंने हुर्रियत और सेपरेटिस्ट के साथ दिल्ली में एक मीटिंग की थी, 1.5 घंटे की मीटिंग, सबको पता है, पर आरपी सिंह जी साहब जान के से ब्राशांडर का काम कर रहे हैं। बाकिया नु बोलन दा अफसर दे दो। तीसरी बात, ये भी तत्व है, आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, 2015 में वीके सिंह साहब जो राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में, इन्होंने एक राज्यसभा में स्टेटमेंट दी थी कि जो सेपरेटिस्ट हैं हिंदुस्तानी सिटीजन्स हैं और ये जिन्हें चाहें मिल सकते हैं, इन्हें अनुमति है जिन्हें चाहें, 2015 की बात है, वो मिल सकते हैं। ये तीसरी बात। अब मैं जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा उसका मैं जवाब देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के भी अलायंस पार्टनर है, और एज फार एज कांग्रेस पार्टी रहे हैं पहले एनडीए वन में, जैसे कांग्रेस जब तक जैसे कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम बड़ा स्पष्ट तौर से कह दे, मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, कांग्रेस पार्टी कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन के हक में नहीं। सर फारूक जी को समझाइए ना, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है और ये हमें ही इसका समझौता इसको सॉल्व करना है। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के मेंबर नहीं है, अगर उनका अगर उनकी कोई निजी राय है, इसके साथ हम नहीं सहमत हैं, हम फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ नहीं सहमत हैं। मैं स्पष्ट तौर में कह रहा हूँ, ये अलग पार्टी के लीडर है, उनकी निजी ओपिनियन है, कोई निजी ओपिनियन नहीं है। आज का माहौल देखिए, सांसद है, क्या निजी ओपिनियन साहब, आज का माहौल देखिए, देश आज कश्मीर के अंदर ऑल आउट वॉर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर रखी है। हर पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेवारी बनती है, और जो इस पर चूक करता है आज के दिन आपके साथ चाइना, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। आज दुनिया देख ली आपको, इस माहौल में एक एक्स चीफ मिनिस्टर, एक अगर आपके अलाइड है, मैं समझता हूं इसको आप लोग अगर इस तरह से टालोगे, ये तो क्रिटिसिज्म नहीं है, तो डिसोसिएशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जनरल साहब मैं आपके उमर को डिसोसिएट करना चाहिए अपने फादर के साथ, ये गलत बात है। जनरल साहब मैं आपके सेंटिमेंट के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, सर ये, पर मैं आपको याद दिलाऊंगा, आदिल साहब दिक्कत ऐसी है कि आपने पहले ही उसको टोका, यही जब उसने कहा कि क्या जो अफजल गुरु को कहती थी कि ऐसे फांसी पे ना चढ़ाओ, यही पीडीपी और मुफ्ती मोहम्मद शहीद मैडम थी जो कहती थी कि सेपरेटिस्ट से बात करो। आज ये देश को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सेना के बल पे राजनीति खेलती है, और इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को एक राजनीतिक और सियासी मुद्दा बनाया है, इसके कारण कश्मीर की स्थिति आज बदतर हो रही है। हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, ये हमारे लिए दुख की बात है, हमारे लिए पीड़ा की बात है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति खेलती है। नहीं समझा पा रहे पॉलिसी क्या है, अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े दुख की बात है, नॉर्मल से नहीं ला सकती तो इस्तीफा दे, ये कश्मीर में इस्तीफा दे और हम सरकार को संभालेंगे और नॉर्मल से लेके आएंगे, कुछ भी बोलने को नहीं है, कश्मीर को बर्बाद कर दिया। ये फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट दूरों तक जाएगी, पाकिस्तान के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ बोलने के लिए, पाकिस्तान दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। बिल्कुल सहमत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल सहमत, तो इस पे कार्रवाई कीजिए। हिंदुस्तान का अहम पॉलिटिकल पार्टी है और अहम हिस्सा रहेगा, जो देश के कश्मीर मुद्दे से, जो देश हमारे देश का कश्मीर मुद्दा एक है कि सारी पार्टी मानती है कश्मीर हमारा अंग है, सब मानते हैं, हर कश्मीरी हिंदुस्तानी है, सब मानते हैं, लेकिन इस पे जो जंग है, इसकी जो लड़ाई है, उस वक्त पे अगर कोई भी गुमराह करता है देश को, और उसकी उसकी और ऐसा लीडर जिसकी बात दूर तक जाएगी,
जो आज पाकिस्तान के पास तो मसला ही नहीं, एक बारूद दे दिया आपने उसके साथ। यही तो बात है कि राजनीतिक पार्टियां इसको समझने को तैयार नहीं है, तो इसी को इसी का खंडन से नहीं बात बनेगी। हम यही बात कह रहे हैं आज इस डिबेट का, बिल्कुल लाइन यही है कि कश्मीर का गुनहगार कौन है। हर साल हर महीने सालों साल राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे ऐसे बयान दिए, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कहीं ना कहीं उस स्टेट को फेल करती गई, और आज इस मुहाने पर जम्मू कश्मीर खड़ा है जहां के बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। ये सवाल जल रहा है सर, देश जम्मू कश्मीर को देख के जल रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, ये बताने की जरूरत नहीं है राजनीतिक पार्टियों को। विशंबर जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, इनको कहीं जाना है। लेकिन मेरा सवाल आभा जी आपसे यहां बनता है, आपने बच्चों की बात कही, बहुत अच्छी बात है, यहां पर सिविल सोसाइटी का भी जिक्र होता है, लेकिन सिविल सोसाइटी काम नहीं करती है, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट लेने आती हैं, आपदाएं आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं देश की सेना मदद करती है, सवाल उन्हीं सेनाओं के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। ये तो एक ऐसा चरित्र है जो हमेशा कहीं ना कहीं आकर इस पूरे मामले को कमजोर करता है। संतोष जी मेरा एक सुझाव है, किसी समय एक डिबेट ऐसी भी होनी चाहिए, एक चर्चा एक डिस्कशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो आपके पैनलिस्ट हैं वो जरा महीना दो महीना बिना बताए किसी को ग्राउंड पे रह के आए, आम लोगों के साथ चर्चा करके आए, रह कर आए, उनको ना सच्चाई पता चलेगी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर पूरा जो स्टेट है उसको अलग अलग इलाकों में जाकर आए। उसमें समस्या क्या है कि यहाँ पे मैंने बताया ना, एसी ऑफिसेज में स्टूडियोज में बैठ के बात करना बहुत आसान है, समस्या कुछ और है। देखिए हुर्रियत की झल्लाहट इस समय इसलिए है कि उससे कोई बार्गेन नहीं कर रहा। हुर्रियत इस तरह की सिचुएशन जो आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिखाई देती है बार बार खड़ी, नहीं नहीं मैं जो बता रही हूँ आपको, देखिए वहां पे एक नेक्सस है, ये हम लोग हमेशा बोलते हैं कश्मीर में एक नेक्सस है, वहां की सारे जो तंत्र हैं इकट्ठा मिले हुए हैं, वहां का जो टेररिज्म है वो एक इंडस्ट्री है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। टेररिज्म के कारण वहां पे जो पैसा आता है बाहर से आता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बाहर के दूसरे देश ऐसी ताकतें हो, वो पैसा इसलिए भेजती हैं कि भारत को किसी ना किसी तरह से कमजोर करना है, कमजोर रखना है। वो पैसा टेररिज्म के कारण आता है और वो पैसा टेररिज्म के कारण बहुत से तंत्रों में बंटता है, मैं उन तंत्रों का नाम भी लूंगी आपके सामने। और वो पैसा बहुत कुछ भारत सरकार के थ्रू पहले आता था जब ये बार्गेनिंग होती थी, तो कि आप ये सिचुएशन को ठीक करवा दीजिए, हम आपको इतना पैकेज देते हैं। आप मुझे बताइए करोड़ों का पैकेज इतने सालों से जम्मू कश्मीर राज्य को मिल रहा है, जिसमें से अक्सर ये बात आती है कि 80% उसका जो है वो कश्मीर जाता है। आप कभी कश्मीर गए संतोष जी? आप कभी श्रीनगर गए जो कैपिटल सिटी है? बिल्कुल मैं गया। वहां पे आपको आम जनता के पास वो पैसा पहुंचा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको वो पैसा पहुंचा हुआ नहीं दिखाई देगा, डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, सड़कें ठीक नहीं है वहां पे। पिछले 14 साल से मेरा जुड़ाव जम्मू कश्मीर से ग्राउंड से पिछले 14 साल से है, 2002 में मैं गई थी सबसे पहले वहां पे। आभा जी, ये वो जो स्थिति 2002 में थी और जो स्थिति आज है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। आप बिल्कुल आभा जी आपकी बात से मैं असहमत बिल्कुल नहीं हूं। क्लास है जिसके जिसके जेब में जाता है। एक मिनट संतोष जी, मैं नाम लेना चाहूंगी वो कौन कौन से तंत्र। आपने ग्राउंड पे काम किया है, आप समय रिप्रेजेंट कर रही हैं वहां से जम्मू कश्मीर को। मेरा सवाल ये नहीं, आप ये डिबेट सुन रही थी, आपने इन तमाम चीजों को सुना। मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ की नहीं बात जो आती है ना, जो 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 जनरल साहब ने कहा संतोष जी, जो बात बिल्कुल ठीक कही कि लोकल गवर्नेंस क्या है, कि कश्मीर रीजन का जो तंत्र है बन ऐसा गया है कि वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां का पॉलिटिशियन, वहां का सेपरेटिस्ट और वहां का मीडिया नहीं चाहता है कि ये सोल्यूशन निकले। मैं बड़ा स्पष्ट बता रही हूँ आपको, वहां का मीडिया आपको बार बार वही इमेजेस, मुझे आप बताइए आपने कोई पॉजिटिव स्टोरी आज तक देखी कश्मीर की? मैं आपको दसियों लोग मिला दूंगी जो वहां पे घूम कर आए हैं, 20-20 दिन रह के आए हैं, जिनको कोई ऐसी स्थिति नहीं मिली, ना पत्थरबाजी मिली, ना अलगावादी नारे मिले, बिल्कुल नॉर्मली वो रह कर आए हैं, घूम के आए हैं, खुश होकर आए हैं वहां पे। ये स्थिति मीडिया भी वहां की उसी उतना ही भागीदार है उस नेक्सस की, मैं बता रही हूं आपको, जो आपके सामने बार बार एक ही पिक्चर लाने की कोशिश करती है। क्यों नहीं हम कभी भी कुछ पॉजिटिव दिखाते? वो दिखाने का जो एक जो जनरल साहब ने कहा ना कि माइंड गेम, ये माइंड गेम खेला जा रहा हमारे साथ और हम उसके बार बार उसके जिसको कहते हैं विक्टिम बने जा रहे हैं, हम उसे आगे सोच नहीं पा रहे। बिल्कुल, हम क्यों नहीं बैठ के डिस्कस करते कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? चार सॉल्यूशन टेबल पर लेकर सॉल्यूशन तो कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता आभा जी। सॉल्यूशन कोई नहीं डिस्कस करना चाहता, नए आइडियाज सॉल्यूशन कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, जजमेंट करते हैं।
इस बात को तो अब आप भी समझ रही हैं, आपने इतना काम किया वहां जमीन पर, सॉल्यूशन कोई नहीं डिस्कस करना चाहता, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो डिस्कस कर सकते हैं। आरपी सिंह साहब और आदिल बोकराई साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आरपी साहब आपसे मैं शुरू करूं। फौजों को सामने रख देना, फौजों के जरिए जम्मू कश्मीर की सियासत को समझाना, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना, महबूबा मुफ्ती का प्रधानमंत्री से मिलना, फंड देना, मदद करना, सब अपनी जगह सही है सर। ये देश जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम इसकी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको आज इस लड़ाई को लड़ते लड़ते क्या हम ताकतवर बन गए हैं या हम कमजोर बन गए हैं या हम आश्रित बन गए हैं? आरपी सिंह साहब, ये सवाल आपसे। कुछ और है, कुल मिलाकर 3.5 डिस्ट्रिक्ट का इशू है, बाकी कश्मीर में शांति है। कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा कहना, कश्मीर में भी शांति है काफी से में। सर घाटी में शांति आप कह रहे हैं, सुना होगा गुलबर्ग में एक रोप एक सुन, अरे अरे सर सुन लीजिए, आप बिल्कुल सुन लीजिए, आपने ध्यान से खबर पढ़ी हो, गुलमर्ग के अंदर अभी चार लोग मर गए क्योंकि वो ऊपर जा रहे थे, रोप टूट गई, वो गाड़ी टूट गई वाली, समझिए बात को। ये अलग प्रकार का एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, वहाँ पर एक प्रकार से अलगाववाद नहीं, वहाँ पर इस्लाम का राज लाने की कोशिश की जा रही है, उसको फंड किया जा रहा है, उसको पाकिस्तान की ओर से फंड किया जा रहा है। और जो आबाजी कह रही थी कि एक डिस्कनेक्ट है, क्योंकि इतने सालों में जो पैसा वहाँ गया वो लंदन में बंगले खरीदने के लिए यूज किया गया, वो देशों में पैसा साइफन किया गया बड़े बड़े बंगले खरीदने के लिए, वहाँ गरीब आदमी को, वहाँ जो आम आवाम है उस तक वो पैसा पहुँचा नहीं, ये उसके कारण से एलिनेशन बढ़ा है। और उस एलिनेशन के अंदर पाकिस्तान ने घी में आग में घी डाला, ये कर कि वहाँ के बच्चों को हुर्रियत के माध्यम से कई करोड़ों 100 करोड़ रुपये भेजा गया, वो बच्चों को कुछ कुछ 100 रुपये देकर, कुछ को 1000 रुपये देकर पत्थरराज बनाया गया है। नहीं देखिए, अलग प्रकार की तालीम वहाँ पर शुरू की गई, ठीक है। अगली बात जो, अरे सुनिए जो अगली बात कहने जा रहा हूँ, वहाँ पर आरपी जी, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज आदिल जी के पास भी मुझे जाना है। पिछले 12 लियाकत नेहरू पैक्ट भी पढ़ लीजिएगा सर, आपने पढ़ा भी होगा, मुझे पूरी जानकारी है, आप इसकी जानकारी रखते हैं। उसके अंदर जो आप इस्लामिक और ये बार बार दूसरे कास्ट का नाम ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी बातें, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। मेरा सवाल आपसे आदिल बहुत सिंपल है, तिवारी साहब नहीं, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है सर। आभा जी को आपने सुना, आभा जी तो मीडिया जगत से आती हैं और मीडिया से ही ना खुश हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत दूर की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अगर ऐसे बयान देंगे तो हम कश्मीर की लड़ाई मिलकर कैसे लड़ पाएंगे? आदिल जी देखिए, आज जरूरत सोल्यूशन की बात करें तो जरूरत है आज कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो नौजवान हैं उनके साथ इंगेज करें, उनसे बातचीत करें और साइमल्टेनियसली जो आतंकवादी हैं उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब समय नसीहत का नहीं है, अब समय कार्रवाई का है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब ये नहीं जानते कि कश्मीर में वो किसके साथ बात करें और किसको एंगेज करें, तो मेरा ये मानना है कि उनको सरकार में रहने का और हक नहीं है और वो इस्तीफा दे दें। अगर राज्य और सेंटर में होने के बावजूद उन्हें ये भी नहीं पता कि किससे बातचीत करें और किससे एंगेज करें, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका इनका इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर इतनी बुरी तरह वो असफल रहे हैं तो उनका मेरे ख्याल से सरकार में रहने का कोई और फायदा नहीं है। क्या करना है? कश्मीर की स्थिति बहुत गंभीर है, स्थितियां गंभीर है, स्थितियां गंभीर है, कश्मीर जल रहा है और ये देश देख रहा है, देश देख रहा है कि कश्मीर जल रहा है और स्थितियां कितनी गंभीर हैं और राजनीतिक पार्टियां कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी गंभीर हैं, आज इस छोटी सी बहस में जरूर लोगों को समझ आया होगा। लेकिन तस्वीर साफ है, भारत खड़ा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों को जरूरत है कि एकजुट हों, समाज के लोग और इस देश की जनता तो हमेशा से भारत सरकार के साथ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सिंह बोपराई साहब, हमारे साथ आवा खन्ना गुप्ता भी जुड़ी थी, निदेशक जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन परिस्थितियां आज सुधर जाएं तो बेहतर है, क्योंकि भविष्य को लेकर चिंता जम्मू कश्मीर के लिहाज से तो बरकरार रहती है। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही।